हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम 3 लेटेस्ट स्मार्टफोन्स का रिव्यू करेंगे, साथ में एक गेम का रिव्यू भी आज के टेक गुरु के इसी एपिसोड में होगा। पर शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की टेक न्यूज से, और सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो सैमसंग के लिए गुड न्यूज है भैया। GfK डेटा की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन्स बेचने के मामले में सैमसंग एक बार फिर से नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हो गया है। और जहां पर मोबाइल फोन बेचने के मामले में पिछले 3 महीनों में सैमसंग की सेल्स में 33% की ग्रोथ देखने को मिले ही है, अगर हम GfK डेटा की इस रीसेंट रिपोर्ट की माने तो। इसके अलावा नंबर 2 की पोजीशन पर माइक्रोमैक्स है कुछ 18% मार्केट शेयर के साथ, और नंबर 3 पर सरप्राइजिंगली नोकिया है। तो लगता तो यह है कि सैमसंग के अच्छे दिनों की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है, और आने वाले दिनों में गैलेक्सी ग्रैंड 3 और सैमसंग गैलेक्सी S6 जैसे डिवाइसेस भी जब लॉन्च होंगे तो भैया सैमसंग की बल्ले बल्ले होनी तय है। तो ऑन दिस नोट टेक गुरु पर अब रिव्यू करते हैं सैमसंग के ही एक लेटेस्ट स्मार्टफोन का, सैमसंग गैलेक्सी अल्फा। सैमसंग का अब तक का सबसे खूबसूरत स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी अल्फा। ये स्मार्टफोन दिखने में काफी प्रीमियम दिखता है और इसके पीछे इसकी मेटालिक डिजाइन है जो सैमसंग ने अपने गैलेक्सी सीरीज के स्मार्टफोन्स में पहली बार इस्तेमाल की है। सैमसंग ने इसमें 4.7 इंच का सुपर एमोलेड HD IPS डिस्प्ले दिया है। तगड़ी प्रोसेसिंग के लिए इसमें Exynos 5 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो दरअसल 1.8 GHz के क्वाड कोर कॉर्टेक्स A15 और 1.3 GHz के कॉर्टेक्स A7 क्वाड कोर प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन से बना है। इसके प्रोसेसर को कॉम्प्लीमेंट करती है इसमें दी गई 2GB रैम। फोटोग्राफी के लिए इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ। इसके कैमरे से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 4K रेजोल्यूशन पर अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सेल्फीज और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 2.1 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया है। 32GB की इंटरनल स्टोरेज वाला ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 4.4 किटकैट वर्जन पर चलता है, और इसके साथ ही गैलेक्सी अल्फा में गैलेक्सी S5 की ही तरह फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है, जो आपकी डेटा सिक्योरिटी में मदद करता है। कनेक्टिविटी के लिहाज से ये 3G वाईफाई के साथ LG LTE नेटवर्क्स भी सपोर्ट करता है, जिससे सैमसंग गैलेक्सी अल्फा को आप फ्यूचर प्रूफ भी कह सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी अल्फा की कीमत है 37,999 रुपए। वेल, एक बात तो क्लियर है कि सैमसंग की फैक्ट्री से निकला हुआ सैमसंग गैलेक्सी अल्फा अब तक का सबसे खूबसूरत डिवाइस है। मतलब सैमसंग से हम लोग कितने दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी घिसी पिटी प्लास्टिकी डिज़ाइन वाले फ़ोन्स को से हटकर कुछ नए मटेरियल्स का इस्तेमाल करे, ग्लास मेटल डिज़ाइन वाले फ़ोन्स बाज़ार में लॉन्च करे, बिकॉज फीचर्स वाइज परफॉर्मेंस वाइज सैमसंग के फ़ोन्स में कभी भी कमी नहीं रही। सिर्फ एक जो नुक्स निकालने को हम जैसे टेक रिव्यूअर्स को रहता था वो सिर्फ इतना सा रहता था कि बॉस डिज़ाइन वही पुरानी घिसी पिटी प्लास्टिक ही है। वेल, सैमसंग गैलेक्सी अल्फा के साथ सैमसंग ने उस शिकायत को भी दूर कर दिया है। यहाँ पर सैमसंग को मैं पूरे फुल मार्क्स देता हूँ जहाँ पर लुक्स एंड डिज़ाइन की बात है, और 4.7 इंच का साइज़ परफेक्ट होता है आपके किसी भी हाथ के लिए, परफेक्ट रहता है हाथ में, एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। अगर बड़ा हाथ है आपका या मेरी तरह छोटा हाथ है, फिर भी 4.7 इंच एकदम परफेक्ट साइज़ है किसी भी हैंडसेट के लिए। जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोसेसर है कहीं भी लैग नहीं होता, परफॉर्मेंस में कहीं भी लैग नहीं है, और इनफैक्ट पूरी तरीके से टक्कर देता है ये अपने बाकी प्लास्टिकी भाइयों को जो कि इसके बाकी प्रीमियम सैमसंग के डिवाइसेज जैसे सैमसंग गैलेक्सी S5। एंड सेम गोज विद द कैमरा, इसके कैमरे की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, एकदम आप टक्कर दे सकते हैं, एकदम कंपेयर कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी S5 या नोट 4 के कैमरे के साथ इसके सैमसंग गैलेक्सी अल्फा को। बस यहाँ पर एक छोटी सी कमी रह गई है, कमी ये है कि इसमें बहुत ही खूबसूरत डिवाइस है, डिज़ाइन वाइज प्रीमियम डिवाइस है दिखने में, पर स्क्रीन जो इसमें दी है वो 720 पिक्सल्स रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है जी। 720p वाली स्क्रीन है इसमें, फुल HD नहीं है जी। अब यहाँ पर बस ये बात बुरी लगती है कि सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन, वो सैमसंग जिसके प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइसेस के डिस्प्ले को बेंचमार्क की तरह बाकी मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं वो लिया करती हैं, उसकी उसके डिस्प्ले की क्वालिटी इतनी बढ़िया होती है, कलर्स इतने विविड नज़र आते हैं, हर फ़ोन में नए अच्छी और ज़्यादा अच्छी एमोलेड HD डिस्प्ले वाले स्क्रीन्स मिलते हैं, और सैमसंग ने यहाँ पर इतना खूबसूरत फ़ोन बनाया, इतना सोना डिवाइस बनाया, बट स्क्रीन डिस्प्ले देने में कंजूसी कर दी। नॉट डन यार, नॉट डन, दिल तोड़ दिया
इस मामले में तो सैमसंग ने मेरा। एनीवे चेकगुरू पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, स्मार्टफोन्स का रिव्यू आने वाले सेगमेंट में भी हम करते रहेंगे, तब तक लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु, मैं हूं अभिषेक और आप बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पिछले एक साल से हर दिन, हर पल, हर महीने, हर क्वार्टर ग्रेजुअली राइज कर रही है, पर जो इसका राइज है ये इंडियन मार्केट में अभी कोई अच्छे से नोटिस नहीं कर पा रहा है। ये कंपनी पीसी मार्केट में नंबर वन है और अब इसकी नज़रें टिकी हुई हैं स्मार्टफोन मार्केट के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ लिनोवो की, और मैं आज की तारीख में ये प्रेडिक्ट जरूर कर सकता हूँ कि जो लिनोवो है ये आने वाले सालों में कुछ ना कुछ सरप्राइज ज़रूर देगी स्मार्टफोन मार्केट में। और आज टेक गुरु पर हम रिव्यू करने वाले हैं लिनोवो के 2014 के स्मार्टफोन डिवाइस, जो उनका प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइस है लिनोवो वाइब Z2 प्रो के बारे में। इसके बारे में ज़रा जानते हैं, नाम थोड़ा लंबा हो गया नहीं। पेश है लिनोवो का लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस लिनोवो वाइब Z2 प्रो। इसके नाम के आगे ये प्रो इसलिए लगा है क्योंकि लिनोवो के हिसाब से इसे काफी प्रोफेशनली डिजाइन किया गया है। लुक्स एंड डिजाइन वाइज ये फोन काफी प्रीमियम लगता है। मेटेलिक डिजाइन वाले इस फोन के बैक पैनल पर टेक्सचर्ड फिनिश दी गई है जो जरा हटके लगती है। कैमरा लेंस के चारों ओर दी गई ये रेड आउटलाइन बस सोने पे सुहागा है। Vibe Z2 Pro में 6 इंच का Quad HD डिस्प्ले दिया गया है जो 2560x1440 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। स्क्रीन काफी ब्राइट है और कलर्स काफी विविड, हालांकि आउटडोर्स में कई बार इसकी स्क्रीन थोड़ा धोखा खा जाती है। फ्रेंकली स्पीकिंग, 6 इंच के स्क्रीन साइज वाला फोन मेरे जैसे छोटे हाथ वाले लोगों के लिए डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना जुल्म है बाबा, जुल्म। बट इट डिपेंड्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये स्क्रीन साइज एकदम परफेक्ट हो। दमदार परफॉर्मेंस के लिए Vibe Z2 Pro में फीचर्स जैसे कूट कूट के भरे हैं। Android 4.4 KitKat वर्जन पर चलने वाले इस फोन में 2.5 GHz का क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर दिया गया है 3GB रैम के कॉम्बिनेशन के साथ। उस पर 4000 mAh की बैटरी तो बेंचमार्क माने जाने वाले Samsung Galaxy Note 4 की 3220 mAh की बैटरी से काफी ज्यादा है। इस फोन की सबसे बड़ी खूबी इसकी सुपर बैटरी लाइफ है। आई नो लिनोवो के इंजीनियर्स ने जाने कौन सा चवनप्राश खा के इसको डिजाइन किया था जिससे इसकी 4000 mAh की बैटरी 1.5 से 2 दिन बड़े आराम से निकाल लेती है। I mean, अगर आपको इस बजट में कोई एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है सिर्फ उसकी बैटरी लाइफ को ध्यान में रखकर, देन दिस इज इट। Vibe Z2 Pro में 16 megapixel autofocus primary camera दिया गया है dual LED flash के साथ जो optical image stabilization के साथ आता है। ढेरों मैनुअल कंट्रोल्स होने के साथ साथ Vibe Z2 Pro का कैमरा फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग करने के अलावा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फीज के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। इसका 16 मेगापिक्सल कैमरा इज ए वन ऑफ ए काइंड बिकॉज इसके अंदर ढेर सारे मैनुअल कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे आपने नोकिया लूमिया 1020 जैसे फोन्स में देखे थे। तो बेसिकली ये खास तौर से उन जैसे कंज्यूमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपनी फोटोग्राफी के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो शायद उन लोगों को इसका 16 मेगापिक्सल कैमरा काफ़ी पसंद आएगा। और इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है जिससे आप हिलते डुलते सिनेरियो में भी अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। ब्रश्ड एल्यूमिनियम डिजाइन वाला ये ड्यूअल सिम फोन 4G नेटवर्क्स भी सपोर्ट करता है, मतलब पूरे इंडिया में अगले साल तक जब 4G नेटवर्क्स आएंगे तो उसके लिए ये स्मार्टफोन पूरी तरह से तैयार होगा। पर ऐसा नहीं है कि Vibe Z2 Pro में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं। Well, इसमें सिर्फ 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। अब जहां ज़्यादातर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अपने फ्लैगशिप डिवाइसेज में 128GB तक की एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देती है, वहां सिर्फ 32GB। Lenovo, हम आपको इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। टाइटेनियम ग्रे, ब्लैक और गोल्ड कलर ऑप्शंस में मिलने वाला ये फोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है और इसके दाम है 32,999 रुपए। 32-33,000 रुपए में टोटल पैसा वसूल फोन है लिनोवो Vibe Z2 Pro, बिकॉज इससे पहले इतने प्राइस में इतनी अच्छी स्क्रीन, इतना अच्छा कैमरा और इतनी तगड़ी बैटरी लाइफ ना तो पहले कभी मिली थी और आगे मिलेगी भी या नहीं कहना मुश्किल है। तो बॉस, टोटल पैसा वसूल, पिक है बॉस, एकदम पिक।
मैं अभिषेक तेलंग नवंबर 2014 में टेक गुरु पर ऑन ये बात प्रेडिक्ट करता हूँ कि लिनोवो आने वाले साल में 2015 में हो सकता है स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ज़्यादा उलट पुलट करने की पूरी कोशिश कर सकती है, हंगामा मचा सकती है, अगर वो लिनोवो वाइब Z2 प्रो जैसे स्मार्टफोन्स बाज़ार में उतारती रही तो। और इनफैक्ट यहाँ पर एक मैं फैक्ट बताना चाहूँगा कि लिनोवो और मोटोरोला के बीच इस साल के एंड तक डील फाइनलाइज होने वाली है। अब यहाँ पर इसमें आप मैथ्स खुद लगा लीजिए कि लिनोवो ने अभी तक स्मार्टफोन के मार्केट में जितना भी कुछ अचीव किया है, प्लस जो मोटोरोला के वापसी जो हुई, मोटो जी, मोटो एक्स डिवाइसेस जो आए हैं, मोटो ई डिवाइसेस आए हैं, इवन जो नेक्सस 6 जो अब मोटोरोला के अंडर में लॉन्च होने वाला है, ये सब डिवाइसेस की सक्सेस और लिनोवो के अचीवमेंट और सक्सेस को आपस में जोड़ दिया जाए तो स्मार्टफोन के मार्केट में कितनी बड़ी सुनामी आ सकती है, कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, ये मुझे शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं इस मामले में। तो लिनोवो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ कमाल तो करने वाला है स्मार्टफोन मार्केट में, इस बारे में तो गारंटी आप मेरी तरफ से समझिए ही समझिए। दूसरी बात एक ये है कि लिनोवो जी, आपको एक छोटा सा फ्री में सजेशन देना चाहूँगा। आपने वाइब Z2 प्रो बहुत बढ़िया डिवाइस बनाया, पर आपने इसे सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रखा। ठीक है, आपके कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, पर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आने वाले दिनों में आप इस तरीके के और अच्छे डिवाइसेस बनाते हैं तो प्लीज़ उसे नॉर्मल रिटेल स्टोर्स में भी बेचना शुरू कीजिए। आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। एनीवे, टेक गुरु पर ऑन दिस नोट अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु, मैं हूं अभिषेक, और अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्मार्टफोन की जो है LG से। इनफैक्ट LG का इस साल का जो फ्लैगशिप डिवाइस है LG G3, उसे जब हमने टेक गुरु पर रिव्यू किया था, बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है, बहुत ही बढ़िया फ़ोन। इनफैक्ट हमने टेक गुरु पर उसे ना सिर्फ पिक दिया था बल्कि साथ में उसको दो थम्स अप भी दिए थे। अब यहाँ पर LG G3 का मिनिएचर वर्जन आप इसे कह सकते हैं, LG G3 बीट का रिव्यू इस हफ्ते हम टेक गुरु पर करने जा रहे हैं। अब देखना बस इतना होगा कि LG G3 की जो एक शानदार लेगेसी है उसके ऊपर ये G3 बीट कितना खरा उतरता है, ये देखना होगा। LG ने लॉन्च कर दिया है अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन LG G3 का मिनी वर्जन LG G3 बीट। मिनी वर्जन में कंपनियां हमेशा कम बजट वाले लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं और लुकवाइज ये फोन काफी अच्छा लग रहा है। दिखने में अपने बड़े भाई LG G3 की तरह दिखने वाला यह स्मार्टफोन है LG G3 बीट। 5 इंच के स्क्रीन साइज वाले इस फोन में 720x1280 पिक्सल्स और 294 PPI के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने वाली स्क्रीन दी गई है। G3 बीट का LCD डिस्प्ले ठीक ठाक है, पर उतना इम्प्रेसिव नहीं है। आउटडोर में इसका डिस्प्ले ठीक ठाक व्यूइंग एंगल्स के कारण थोड़े मार्क्स जरूर कमाता है। LG G3 में क्वाड HD डिस्प्ले दिया गया था। हमें उम्मीद थी कि LG अपने G3 के मिनिएचर वर्जन में कम से कम फुल HD स्क्रीन तो देगा ही, पर LG ने यहाँ उम्मीदें तोड़ दी। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.2 GHz का Snapdragon 400 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 1 GB रैम के साथ, जिसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, पर हाई इंटेंसिटी ग्राफिक्स वाले गेम इस फोन पर लैग करने लगते हैं। गेमिंग के लिए इसमें Adreno 305 GPU दिया गया है, साथ ही इसमें आपको इनबिल्ट 8 GB की स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 64 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। LG G3 की तरह ही इस फोन में भी कीलेस डिजाइन को फॉलो किया गया है। बटन्स के नाम पर बैक पैनल पर सिर्फ एक ये राउंड की है, जिससे फोन लॉक अनलॉक किया जा सकता है और वॉल्यूम भी एडजस्ट की जा सकती है। LG G3 का कैमरा उसकी सबसे बड़ी खासियत थी, जिसमें तेजी से फोकस लॉक करने के लिए लेजर ऑटो फोकस का इस्तेमाल किया गया था। लेजर ऑटो फोकस की यही सेम टेक्नोलॉजी LG के G3 बीट में भी दी गई है। 8 मेगापिक्सल वाला इसका कैमरा काफी अच्छे फोटोग्राफ्स लेने की काबिलियत रखता है। लो लाइट में भी LG G3 बीट के कैमरे की क्वालिटी काफी डिसेंट है। इसके अलावा नॉर्मल लाइट कंडीशंस में इसका कैमरा अच्छे विविड कलर्स कैप्चर करता है। इसके साथ ही इस पर 1080p पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, पर LG G3 बीट के फ्रंट फेसिंग कैमरे में कुछ दम नहीं। बैटरी लाइफ ठीक ठाक है, 2540 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी दिन ढलने के साथ ही आपको इसको चार्ज करने की नौबत आ जाएगी। और इसके साथ ही अच्छा फीचर है नॉक कोड, जो फ़ोन के पावर बटन को छुए बिना ही आपको फ़ोन को अनलॉक करने की सहूलियत देता है। और ट्रस्ट मी, ये आदत बहुत जल्दी लग जाती है और आराम से छूटती नहीं है।
फोन को लॉक करने के लिए भी आपको इसके पावर बटन को छूने की जरूरत नहीं, बस होम स्क्रीन पर डबल टैप करो और फोन लॉक। G3 Beat के इस फीचर के कारण एक्स्ट्रा बैटरी यूज होती है और 2540 mAh की तगड़ी बैटरी होने के बावजूद ये फोन एक दिन भी नहीं टिक पाता। Android 4.4.2 KitKat वर्जन पर चलने वाला ये फोन Android के लेटेस्ट लॉलीपॉप वर्जन पर भी अपग्रेडेबल होगा। 18,750 रुपए में मिलने वाला ये फोन अपने कम प्रोसेसर और कम रैम की वजह से पीछे रह जाता है। अच्छी बात यह है कि ये फोन फ्यूचर प्रूफ है। LTE बैंड यानी 4G के साथ आने वाला ये फोन आपको आने वाले दिनों में 4G का लुत्फ उठाने का भी मौका दे सकता है। ये फोन LG G3 का सस्ता वर्जन नजर आ रहा है। सस्ता करने के लिए इसके अंदर के जो फीचर्स हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है। 18,750 रुपए में आपको क्या मिलता है? 1GB रैम और 1.2GHz क्वाड कोर प्रोसेसर। ये सब फीचर्स आपको Moto G सेकंड जनरेशन के अंदर इससे कम दाम में मिल जाएंगे और ऊपर से रेगुलर OS अपडेट्स भी मिलेंगे। LG G3 Beat काफ़ी अच्छा फ़ोन है, नो डाउट। अगर इसके कैमरा फीचर्स की बात करें या फिर इसके लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में, Moto G का 2014 एडिशन इसके सामने कहीं टिकता भी नहीं है। पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें, अगर उन फीचर्स की बात करें जो डे टू डे लाइफ में मैटर करते हैं, उस मामले में LG G3 Beat और Moto G का 2014 एडिशन ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। अब इस कंडीशन में आप क्या एक्स्ट्रा 6,000 से 8,000 रुपये सिर्फ अच्छी डिज़ाइन और अच्छे कैमरा फीचर्स के ऊपर खर्च करना पसंद करेंगे या नहीं, ये आपके ऊपर है। पूरी तरीके से आपकी कॉल है कि सिर्फ 6,000 से 7,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको खर्च करने पड़ेंगे LG G3 Beat के ऊपर। यहाँ एक और मैं फैक्ट बताता हूँ, LG G3 Beat जो लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस थी करीब 25,000 से 26,000 रुपये। हमने इसका हैंड्स ऑन वीडियो भी YouTube के ऊपर किया था, तब इसकी 25,000 के आसपास इसकी कॉस्ट थी। फिर Flipkart जैसी वेबसाइट्स पर इसकी कॉस्ट कम होकर 22,000 हो गई विद इन अ मंथ, और अभी आज की तारीख में Flipkart पर 18,750 रुपये में आप LG G3 Beat को खरीद सकते हैं। अब या तो अगर आपको ये फ़ोन डिज़ाइन वाइज, लुक्स वाइज, कैमरा फीचर्स वाइज पसंद आ गया है तो भैया या तो इंतज़ार करो, Flipkart पर आने वाले हो सकता है 1-1.5 महीने में और इसके दाम कम हो जाएं और Moto G की कंपटीशन में इसके दाम आ जाएं, तो तब तो आप LG G3 Beat खरीद लो। नहीं तो भैया मैं तो इतना कहूँगा, पैसा बचाओ और किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 6,000 से 7,000 रुपये आपके फ़ौरन के फ़ौरन बचेंगे अगर आप Moto G 2014 एडिशन खरीदते हो तो। तो भैया ऑन दिस नोट इसका रिव्यू तो हमने कर दिया, अब बात करते हैं मेरे फेवरेट चीज़ की यानी कि गेम रिव्यूज़ की। और आज के चेकग्रू में हम रिव्यू करने जा रहे हैं एंग्री बर्ड का लेटेस्ट गेम एंग्री बर्ड ट्रांसफॉर्मर्स। पेश एंग्री बर्ड सीरीज का 10th इंस्टॉलमेंट एंग्री बर्ड ट्रांसफॉर्मर्स। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म फ्रेंचाइजी ट्रांसफॉर्मर्स से इंस्पायर्ड इस गेम में एंग्री बर्ड्स का भी मेकओवर हो गया है। एंग्री बर्ड्स अब बन गए हैं ऑटो बर्ड्स और पिग्स हो गए हैं डिसेप्टिहॉग्स। अब इस गेम में आपको मिलकर एगबॉट्स के खिलाफ लड़ना है। एगबॉट्स पिगी आइलैंड पर आकर सभी चीजों को ट्रांसफॉर्मर्स में कन्वर्ट करके आतंक मचा रहे हैं और अब इनके खिलाफ ऑटो बर्ड्स को डिसेप्टिहॉग्स से लड़ना होगा। इस गेम में प्लेयर पिग्स को एलिमिनेट करते हुए और हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना है, साथ ये भी ध्यान रखना है कि खुद एलिमिनेट ना हो जाए। एंग्री बर्ड ट्रांसफॉर्मर्स गेम में आपको एक एक्शन गेम जैसा भी मजा मिलेगा। इस गेम में आप बर्ड्स को रोबोट मोड या मोटर मोड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक फिल्म की तरह। एंग्री बर्ड ट्रांसफॉर्मर्स iOS और गूगल प्ले पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, हाँ बट इसमें इन ऐप परचेजेस भी हैं। चलिए टेकगुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। अब वक्त आ गया है टाटा अलविदा गुड बाय कहने का, और आप अपना फीडबैक या फिर अपने टेक क्वेरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।